हेलो फ्रेंड्स, मिनी किचन में एक और रेसिपी के साथ आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बटर दाल फ्राई। इस दाल फ्राई को आप घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और इसकी टेस्ट तो एकदम ढाबे वाले दाल फ्राई जैसी होगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें तीन तरह की दाल लेनी होगी। मूंग, अरहर और चने की दाल ली है मैंने। सभी दालें मैंने बराबर मात्रा में लिया है। तीनों दालें मैंने 50-50 ग्राम लिए हैं। टोटल मैंने 150 ग्राम दाल लिया है। सभी दालों को मैंने अच्छी तरह से साफ करके 2 घंटे के लिए पानी में रख दिया था और 2 घंटे के बाद पानी से अलग कर लेंगे। अब हम सभी दालें एक कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। मैंने दालों को अलग अलग भिगोया था, आप चाहे तो तीनों दालें एक साथ भिगो सकते हैं। सारी दालें हमने डाल दी हैं। अब नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, लगभग 2 से 2.5 गिलास पानी डालेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी आने तक दाल को पका लेंगे। दालें अच्छी तरह से गल जानी चाहिए। 4 से 5 सीटी होने के बाद कुकर ठंडा हो जाए, उसके बाद हम ढक्कन खोलेंगे और दाल को चेक करेंगे अच्छे से गली है या नहीं। दाल अच्छी तरह से पक चुकी है, अब हमें इसे फ्राई करनी होगी। इसके लिए मैंने 2 चम्मच होममेड बटर लिया है। अगर आप होममेड बटर की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। बटर थोड़ी सी मेल्ट हो जाए उसके बाद 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, 3 से 4 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च, 5 से 6 कलियां लहसुन की, इसे भी बारीक कट कर लेंगे, थोड़ी सी अदरक डालकर 30 सेकंड के लिए सभी को सोटे कर लेंगे। सभी को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, नहीं तो बटर जलने लगेंगे। अब हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज ऐड करेंगे जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए इसके बाद 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तुरंत ही हम एक बारीक कटी हुई टमाटर ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर को फ्राई करेंगे। ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जानी चाहिए। देखिए टमाटर अच्छी तरह से पक चुकी है। अब पकी हुई दाल इसमें ऐड करेंगे। कुकर में थोड़ी सी पानी डालेंगे और खंगाल कर वही पानी दाल में ऐड कर देंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी दाल फ्राई थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो इसमें थोड़ी सी पानी और ऐड कर देंगे। आप अपने अनुसार दाल फ्राई को गाढ़ी या पतली कर सकते हैं। दाल फ्राई में अच्छी तरह से बॉईल आ चुकी है, इसे 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल होने दें। इसे ढकने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे लगातार चलाते रहें। हमारी बटर दाल फ्राई तैयार है। फ्लेम ऑफ करने से पहले 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद फ्लेम ऑफ करके हम हरा धनिया डाल देंगे। वाव, एकदम परफेक्ट बटर दाल फ्राई बनकर तैयार हुई है और इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने इसे एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और ऊपर से हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। बटर दाल फ्राई को आप पुलाव, जीरा राइस या सादे चावल के साथ इंजॉय करें। इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप भी बनाइए और पूरे परिवार के साथ खाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं यम्मी रेसिपी के साथ।